गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में नरेशन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच के सेंटेंस जो थे वो हमने सीखे। आज हम उसी टॉपिक को आगे थोड़ा लेकर के चलते हैं, तो थोड़ा सा लंबा सेंटेंस आज करके देखते। पिछली बार हमने बात की थी डब्ल्यूएच वर्ड की और हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और पीछे आपका क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद रहेगी तो सेट टू की जगह हम यूज करेंगे आस्क का। और जो कनेक्टर होता है आपका, अगर सेंटेंस डब्ल्यूएच से शुरू होगा तो कनेक्टर में कुछ नहीं आता, डब्ल्यूएच का वापस डब्ल्यूएच आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कनेक्टर हट जाएगा और कनेक्टर की जगह आएगा इफ। तो इसी को आगे लेकर के चलते हैं आज और एक सेंटेंस करके देखते हैं। और थोड़ा बड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी, डिड यू नॉट गो टू योर होम। सेंटेंस आपके सामने है, मोहन सेड टू मी, डिड यू नॉट गो टू योर होम। पीछे क्वेश्चन मार्क है तो सेट टू को हटा करके हम क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। तो मोहन आस्क मी, टू वापस कभी नहीं आता है, सेट टू कन्वर्ट होकर पूरा का पूरा आस्क में आता है। अब यहां पे आ गया डिड। डिड आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड नंबर डिड कब आता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का टेंस होता है, यानी कि यहां पे ये काम किसका कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। सेंटेंस की अगर शुरुआत डू से, डज से या डिड से, डू से, डज से या डिड से, सेंटेंस की शुरुआत अगर इन तीन में से होती है तो ये तीनों हमेशा शुरुआत में जब भी सेंटेंस के आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। तो अभी यहां डिड है, ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन डिड आने के बाद हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिड है वो फॉर्म कौन सी होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। और हमारा नियम क्या कहता है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किसमें जाती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग, यहाँ पे हमारी थी हेल्पिंग वर्ब, तो हम इनवर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ। इफ के बाद मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है हमारा यू। यू यानी कि आई कहने वाला, यू सुनने वाला, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। यहां यू काम करेगा सब्जेक्ट का। अगर यू है सब्जेक्ट तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, मी का सब्जेक्ट बनता है हमारा आई। यानी यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, यू सुनने वाले के अकॉर्डिंग, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा सब्जेक्ट कन्वर्ट होकर किसमें आ जाएगा, आई। अब बात चल रही थी कि सर सेकेंड फॉर्म होगा तो क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड, नॉट का सेंटेंस ऐसे नॉट में लगाना पड़ेगा। If I had not, go की थर्ड फॉर्म हो जाएगी gone। टू, अब यू से रिलेटेड आ गया हमारा योर। यू से रिलेटेड है योर। योर किसके अनुसार चेंज होता है, सुनने वाला। सुनने वाला यानी कि आपके हिसाब से आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। मी यानी कि आई, आई मी, माई कह दो या माइन। तो यू के हिसाब से अगर योर आता है तो आई के हिसाब से क्या आएगा, माई। ये टेबल आपने लिखी होगी, मैंने बताई भी है कि यू के हिसाब से अगर योर आएगा तो आई के हिसाब से क्या आएगा, माई। और पीछे क्या सेंटेंस बन जाता है हमारा, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से सेंटेंस कुछ धीमे धीमे लंबे आने अब शुरू होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक सेंटेंस लेके आया हूं, आप उसको दोबारा रीड कीजिए, दोबारा देखिए, और इसके बाद कुछ सेंटेंस है वो मैं आपको करने के लिए दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। कभी कभी डिड की जगह डू भी हो जाता है और कभी कभी डज भी हो जाता है। तो डू आता है तो इसका मतलब वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, फर्स्ट हो गई। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाती है, सेकंड फॉर्म में जाती है। शुरुआत में जो डू डज वगैरह आता है हम इसको वापस क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। हमें इतना ही याद रखना है कि डू और डज किसके लिए आते हैं, फर्स्ट फॉर्म के लिए, और फर्स्ट फॉर्म जाती है हमारी सेकंड फॉर्म।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बात करेंगे और इसके कुछ सेंटेंस है वो आपको करने के लिए दिए जाएंगे जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।